नमस्कार दोस्तों, AS Vlogs के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोज शशांक। तो दोस्तों, आप सबकी फेवरेट जगह यानी RN ऑटो सेल्स पे आ गए हैं। यहां पर बढ़िया बढ़िया बाइकें हमेशा ही लगी रहती हैं। इस बार भी अच्छी अच्छी गाड़ियां लगी हुई हैं। अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, छोटी गाड़ियों से लेकर आपकी मोस्ट डिमांडेड गाड़ियाँ, टू व्हीलर सब लगी हुई हैं। सारी गाड़ियों की डिटेल देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, तभी हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके साथ इंस्टाग्राम पे बहुत सारे भाई जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलते रहें और कोई भी सवाल जवाब करना है तो भी होता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शॉप के ओनर को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोज़ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए, वो डिस्प्ले पर ये रहे। वेलकम टू AS Vlogs, बहुत दिन बाद आए हैं। सत्येन जी है हमारे साथ, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं सत्येन जी के साथ, सामने देखते रहेंगे और गाड़ियों की डिटेल देते रहेंगे। किस तरीके की गाड़ियां आज दिखाएंगे? पहले शुरुआत करते हैं हम TVS स्कूटी से। TVS स्कूटी से थोड़ा भैया दमदार आवाज़ हम लोग की रहेगी, जैसे हमारी गाड़ियाँ रहती हैं, और इसकी डिटेल दे दीजिए, कौन सा मॉडल है, कौन सा ओनर है? 2011 मॉडल, 2010 मॉडल है। 10 मॉडल है, ओके। ये कितना चली होगी? ये चली होगी लगभग 20,000। 20,000 का? अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि 10 मॉडल क्या 20,000 चली होगी, इसकी शिकायत है, लोगों को डाउट है, तो अपन सब क्या कह सकते हैं? हमें कहते हैं वो चेक करा ले कंपनी में जाके, चेक करा ले। हाँ, कोई भी डाउट हो चेक कराइए, मैकेनिकल फॉल्ट नहीं होगी, है ना भैया? अगर मैकेनिकल फॉल्ट होगी तो भैया की पहचान है, कभी कदार हमने बहुत सारे लोगों से सुना है, और भैया भी बताते हैं कि बहुत सारे हमारे भाई आए हैं जिन्होंने गाड़ी परचेज करी है, उन्होंने भैया दोबारा सपोर्ट पाया है? नहीं, दोबारा हम गाड़ी कोई भी ले, अगर कोई दिक्कत आती है दोबारा तो हम रिपेयर करके देंगे, कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? कोई पैसा नहीं लगेगा। बड़ा खर्चा भाई चांस सब लड़ा भिड़ा के लेके आइए, लड़ाई में उनकी जिम्मेदारी, बाकी जो इंजन की दिक्कत है, कोई ऐसी दिक्कत है वो हमारे वहाँ की, वो सही हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो 2010 है, ओनरशिप कौन सी है भैया? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है, चलिए बताया आपने 20,000 है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये पड़ेगी 12,500। 12,500, ठीक है। इसमें कुछ नेगोशिएट होगा क्या? नहीं, उसमें नहीं हो पाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, जिसमें होगा कर देंगे, क्यों भैया? हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पास, स्कूटी हमेशा के लिए की तरह रहती जरूर है। हाँ, रहती है। इसकी डिटेल दीजिए, प्लेजर खड़ी है। हाँ ठीक है, इसकी डिटेल दे दीजिए। 2000 2014 मॉडल, 14 मॉडल है। हाँ ओके। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर, ये कितना चल गई होगी? ये चली होगी 25,000 लगभग। 25,000, ठीक है। अब देखिए, 2010 थी जो कम चली, वो कम बताया, 2014 है, 4 साल ऊपर है, ये ज़्यादा चली है तो ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हैं भैया इसकी? ये पड़ेगी 30,000 की पड़ेगी। 30,000, ओके। अब आ जाते हैं एक और भैया, अपने पास स्कूटी ही खड़ी है, पेप प्लस, ठीक है। इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी लग रही है और भी। हाँ, 19 मॉडल है ये। 19 मॉडल है? हाँ ओके, तो 19 मॉडल है, यानी ऊंचा मॉडल है, और बहुत सारी इसमें अब अपग्रेड हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर भी अब थोड़ी सी लाइटें वाइटें आ गई हैं, और कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ऊंचा मॉडल है, 19 है, जिसको भी नई लेना है अच्छा खासा पैसा बचेगा कि नहीं भैया? ये 66,000 की नई है। नई है? हाँ। और चली कितना बताया आपने? ये चली होगी लगभग 12,000। 12,000? हाँ, तो 12,000 चली हुई है, 5 साल का इंश्योरेंस है। हाँ हाँ, क्या डिमांड कर रहे हैं? और 65,000 की नई है, 35,000। 35,000? हाँ, तो अच्छा खासा पैसा बच रहा है, इंश्योर्ड भी है, 2019 है तो 24 तक इंश्योर्ड रहेगी। हाँ ठीक है, इंश्योरेंस है 24। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी पे आ जाते हैं। तो भैया, स्कूटी के बाद अपने पास स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर है, हाँ। इसकी डिमांड जितनी रहती है उतनी ही अपने पास सप्लाई भी रहती है, क्यों भैया? बिल्कुल, कभी कमी नहीं होने देते, बिल्कुल ढूंढ के लाते रहते हैं। डिटेल दे दीजिए। ये 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल है, ठीक है। कंडीशन बहुत ही अच्छी है, 2011 भले हो, 2011 के हिसाब से 9 साल पुरानी हो गई है, लेकिन कंडीशन बहुत ही बढ़िया है। कितना चलिए भैया? ये चली होगी लगभग 25,000 चली होगी। 25,000 चली हुई है। ओनरशिप क्या है भैया? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है, इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? ये पड़ेगी 28,500। 28,500, इसमें थोड़ा बहुत तोड़ेंगे, देख लेंगे फिलहाल, देख लेंगे फिलहाल। अब आ जाते हैं एक और भैया नेक्स्ट गाड़ी पे, इसकी डिटेल दीजिए। पैशन है? पैशन प्रो। पैशन प्रो है, ये कौन सा मॉडल है? 2011 मॉडल। 2011 मॉडल, ओके। कितना चली है ये? ये भी चली होगी 25,000 लगभग। 25,000, ओके। 25,000 चली है। 2000 कितना बताया भैया? 2011 मॉडल। 11 मॉडल ये भी थी, 11 मॉडल ये भी है। 25,000 चली है। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये पड़ेगी 27,500। 27,500, ओके। नेक्स्ट आते हैं, एक और स्प्लेंडर प्लस खड़ी हुई है, इसकी डिटेल दे दीजिए।
2006 मॉडल। 6 मॉडल है, हाँ। ओके, कहाँ से भैया इतनी बढ़िया कंडीशन की ढूंढ के लेके आते हैं? सब यही देने आते हैं भैया। देने आते हैं, जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, 2006 मॉडल है, ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है, क्या डिमांड कर रहे हैं? 20,000। चलिए, कितना बताया था आपने? 30,000। ओके, नेक्स्ट एक और खड़ी भैया, सी डी डीलक्स। अब की एच एफ डीलक्स है, क्यों भैया? जी जी। ओके, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी भी, और सी डी डीलक्स जल्दी मिलती नहीं है, अपने यहाँ खड़ी हुई है, इसकी डिटेल दे दीजिए भैया। ये 2011 मॉडल है, सेल्फ स्टार्ट है। सेल्फ स्टार्ट है, हाँ। सेल्फ, ये कितना चली होगी? और ये चली होगी लगभग वही मान के चलिए 26-27,000। 26-27, हाँ। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर, कितने में दे देंगे ये? ये पड़ेगी 28,500। तो देखिए, एक एक हज़ार रुपये भी बढ़ाते रहेंगे ना, तो मॉडल भी अपग्रेड होंगे, गाड़ियाँ भी अपग्रेड होंगी, क्यों भैया? अब आ जाते हैं भैया नेक्स्ट पैशन खड़ी है, फिर से पैशन प्रो है, हाँ। 2013 मॉडल। 2013 मॉडल है, ठीक है। ओनरशिप क्या है? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर, चली कितना होगी? चली है लगभग 30,000। कोई मैकेनिकल काम तो नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम है नहीं, जो होता है भैया पहले से ही बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं। यहाँ पर खाली फ्यूल डलाना है, पेट्रोल डलाना है और लेके चले जाना है डील के बाद। दिक्कत आती है तो लाएगा उसको सही करके देंगे। सही करके देंगे, हाँ। ओके, क्या डिमांड कर रहे हैं भैया इसकी? ये पड़ेगी 31,500। 31,500। ओके भैया, की आज आवाज़ थोड़ा तेज़ है, हम चाहेंगे थोड़ा और तेज़ बोलिएगा। चलिए ठीक है। इधर आ जाते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे भैया, इसकी डिटेल दे दीजिए। स्प्लेंडर प्लस। 2009 मॉडल है। 2009 मॉडल है, ओके। ओनरशिप होगी 8 या 9। 8 या 9, हम कंफर्म कैसे करें? 8 मॉडल है। 8 मॉडल है, ओके। कितना चली होगी ये? चली होगी 30,000 लगभग। 30,000, हाँ। ओके, ओनरशिप? फर्स्ट ओनर। फर्स्ट ओनर है, क्या डिमांड इसकी रख रहे हैं? 24,500। ठीक है, तो स्प्लेंडर 24,500 की पड़ेगी, 2008 मॉडल। अब अपने पास एक और भैया स्प्लेंडर खड़ी हुई है, तो भैया पुराने शेप से हम जंप कर रहे हैं फिर से थोड़ा ऊंचा शेप, इसकी डिटेल दिए। स्प्लेंडर प्लस खड़ी हुई है, 2011 मॉडल। 11 मॉडल, हाँ। ओके, ये कितना चली होगी? ये चली होगी लगभग 30,000। ओके, 30,000 चली हुई है, हाँ। ओनरशिप कौन सा है? ओनर फर्स्ट है। फर्स्ट है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 28,500 की पड़ेगी। 28,500, ओके। अब जाते हैं भैया एक और नेक्स्ट गाड़ी, थोड़ा सा आइए आगे चलते हैं, ताकि अपने पीछे इस जगह का भी, आर्यन ऑटो सेल्स की तरफ आप देखेंगे तो इसका भी थोड़ा सा प्रोफाइल दिख जाए, क्यों भैया? हाँ। और अब आ जाते हैं अपनी गाड़ी पे, एक और खड़ी है आई स्मार्ट स्प्लेंडर, इसकी डिटेल दे दीजिए। 2014 मॉडल। 14 मॉडल, हाँ। ठीक है, ये कितना चली होगी? ये चली होगी लगभग वही 25-26,000। ओनरशिप कौन सा है? ओनर फर्स्ट। फर्स्ट ओनर है, हाँ। क्या डिमांड इसकी कर रहे हैं? ये पड़ेगी 32,500। 32,500, ओके। आइए नेक्स्ट गाड़ी पे भी जल्दी जल्दी थोड़ा शिफ्ट करेंगे, स्प्लेंडर खड़ी हुई है सुपर, हाँ। इसकी डिटेल दे दीजिए। 2013 मॉडल है। 13 मॉडल है, हाँ। ओनरशिप इसकी कितनी है? ये फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर, अपने यहाँ ज़्यादातर गाड़ियाँ फर्स्ट ओनर रहती हैं, ओके। बाकी मैकेनिकल अगर कोई काम नहीं रहता, काम नहीं मिलेगा, बस यहाँ से स्टार्ट करके ले जाना है, ठीक है। 2013 बताया, चली कितना बताया? चली है 25,000। क्या डिमांड कर रहे हैं? ये आपको पड़ेगी 32,500। 32,500, ठीक है। अब नेक्स्ट गाड़ी, अपने पास गाड़ियाँ इतनी हैं कि दिखाते रहेंगे ना तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा स्टॉक रहता है, तो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अपने पास पैशन प्रो खड़ा हुआ है भैया, हाँ। इसकी डिटेल दे दीजिए। ये 2011 मॉडल है। 2011 मॉडल, हाँ। ठीक है, 11 मॉडल है, ये कितना चली होगी? ये चली होगी लगभग 35,000। 35,000, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये डिमांड कर रहे हैं हम 26,500। फर्स्ट ओनर है, हाँ। अच्छा, मेरे ये जो गाड़ियां हैं सब फर्स्ट ओनर में। फर्स्ट ओनर है, हाँ। इनमें इंश्योरेंस होगा किसी में? इंश्योरेंस सब में करा के मिलेगा। सब में करा के मिलेगा, हाँ। ठीक है, और ट्रांसफर का पैसा उनको पे करना पड़ेगा, हाँ। ना भैया, जो गाड़ी लेगा ट्रांसफर का उसको पे करना, जो भी डील होगी फाइनल उससे ट्रांसफर का पैसा उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे, इसकी डिटेल दे दीजिए भैया। ये विक्रांता है। विक्रांता है, 2017 मॉडल, ओके। ओनरशिप? फर्स्ट। चली कितना है? चली होगी लगभग ये 20,000। 20,000, हाँ। ओके, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये डिमांड 35,000 की पड़ेगी। 35,000, हाँ, 35। ओके, चलिए नेक्स्ट गाड़ी भी देख लेते हैं, हीरो की। अपने पास भैया ग्लैमर है ना, हाँ। ठीक है, ग्लैमर की डिटेल दे दीजिए। 2017 मॉडल। 17 मॉडल है, ठीक है। ये कितना चली होगी? डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर है, चली है लगभग 15,000। सेल्फ हेल्प तो हो गई, सब कुछ है। सब कुछ है, हाँ। 15,000 चली हुई है, हाँ। 2017 बताया भैया, हाँ, 17। ठीक है, डिमांड क्या कर रहे हैं?
35,500। ओनरशिप सबकी फर्स्ट है, फर्स्ट ओनर। ठीक है, पल्सर की भी कई लोग डिमांड कर रहे थे, तो आज फर्स्ट ओनरी गाड़ी मिलेंगी हम। ओके, तो आज दो पल्सर भी दिखाएंगे भैया, डिमांड ज़्यादा आ रही थी। एक रेड है और एक ब्लैक है, इसकी डिटेल दीजिए। रेड की, रेड एंड ब्लैक जो डुअल टोन में है, 2013 मॉडल है। 2013 है, ये कितना चली होगी? ये चली होगी लगभग 30,000। 30,000, हाँ ठीक है। अब देखिए 30,000 कह रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ कम चली होती है तो कम बताया जाता है, वरना चलाने वाले 1,00,000 चला जाता है। क्यों भैया? डिपेंड उसी पे करता है, बाकी डाउट हो तो वो चेक करा सकता है, करा सकते हैं। ठीक है, तो 2013 मॉडल पल्सर 150 है, चली कितना है? 30,000 बताया आपने। डिमांड क्या कर रहे हैं? 30,500। ठीक है, तो 30,000 चली है, 30,500 डिमांड कर रहे हैं अपने पास भैया। उसी के टक्कर की अपाचे खड़ी RTR, ठीक है, इसकी डिटेल दे दीजिए। डबल डिस्क में है, डबल डिस्क में है, 160 है। 2015 मॉडल है, 16 मॉडल है। हाँ ओके, चली कितना है ये? चली होगी लगभग ये मान के चलिए 17-18,000। 17-18, हाँ। फर्स्ट ही ओनर है, हाँ। डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? डिमांड ये पड़ेगी आपको 52,500 की। ठीक है, 16 मॉडल आ जाते हैं भैया। ये बड़ी आसानी से दिखती नहीं है ये गाड़ी, इग्नाइटर है हीरो की गाड़ी, मतलब जो रखता है इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है कि जल्दी कोई बेचता नहीं है। नहीं बेचता है, है ना भैया? हाँ। इस चैनल का कॉपी है एक तरीके से, कहते हैं हीरो की गाड़ी है, इंडियन गाड़ी है। डिटेल भैया दे दिए। 2014 मॉडल है, हाँ। ओके, कितना चली है ये? ये चली होगी लगभग 30,000। फर्स्ट ही ओनर है? फर्स्ट ओनर है। डिमांड क्या है? डिमांड 32,500। 32,500, हाँ ठीक है। बाकी टायर वायर से लेकर सब कुछ ओके है? सब कुछ ओके। नेक्स्ट गाड़ी भी आ जाते हैं भैया, ये उससे भी अच्छी कंडीशन की लग रही है, पल्सर। ठीक है, इसकी डिटेल दी है, 180 है। 180 है, ठीक है। टायर वायर वही है कि पड़वाएं भैया इसमें? नहीं नहीं, टायर सब पिछला बदल चुका है, अगला कंपनी का है। अच्छा ठीक है, तो ये कितना चली है? ये चली है लगभग 18,000। 18,000, हाँ। अब देखिए भैया कह रहे हैं कि 18 चली है, टायर बदला है, क्यों? क्योंकि जिस बंदे की थी वो वीली वीली या स्टॉपिंग मारता था, इस वजह से टायर ख़त्म हो गया था, तो चेंज कराया है, है ना भैया? फर्स्ट ही ओनर है? फर्स्ट ओनर। क्या डिमांड कर रहे हैं? ये पड़ेगी आपको 15 मॉडल है, ये पड़ेगी आपको, तो 15 मॉडल है, 180 है, 18,000 चली है, भैया ने बताया 45,500। ठीक है, ये भी नेगोशिएबल स्लाइटली होगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और भैया अब अपने पास सारी गाड़ियाँ दिखा दी, फाइनेंस के लिए बहुत सारे भाई सोचते हैं कि फाइनेंस हो जाएगा, कहाँ के लिए ये हो जाएगा? नए साल, नए साल में होगा, हाँ। तो भैया कह रहे हैं नए साल में होगा, तब तक लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। और कहाँ के लिए भैया गाड़ियाँ हैं ये? बेसिक लखनऊ के लिए, सिर्फ लखनऊ, यूपी के लिए, यूपी के लिए कहीं भी, हाँ। ओके, तो यूपी के लिए भैया को बहुत सारे लोग महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, इन सब जगह से भी कॉल करते हैं, तो कृपया करके आप लोग यहाँ से, क्योंकि ये गाड़ी अगर वहाँ जाएगी भी ना तो इतना खर्चा आ जाएगा कि ले जाना ले जाना 4-5 हज़ार रुपये तो आपका उसी में खर्चा हो जाएगा। इससे बढ़िया आप अपने शहर में ले सकते हैं, यहाँ पर लेना है, यूपी का कोई मतलब यूपी भर के ही लोग लीजिए और आके लीजिए। डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है कि कोई पैसा डाल दे और ये सब, बगैर देखे पैसा नहीं, बगैर देखे नहीं है। आप मैकेनिकली चेक करिए, गाड़ी का परफॉर्मेंस देखिए, गाड़ी देखिए, उसके बाद है ना भैया, बाकी सारी गाड़ियों की डिटेल दे दीजिए भैया। आप अपने हिसाब से पता भी बता दीजिए, कई लोग हम तो डिस्प्ले कर ही देते हैं फिर भी पूछते हैं कहाँ पर आना है। तो मान लीजिए कि डालीगंज क्रॉसिंग सीतापुर रोड, लखनऊ, लखनऊ, हाँ ठीक है। तो डालीगंज क्रॉसिंग सीतापुर रोड, अगर आप इस साइड से आएंगे तो ये देखिए बोर्ड वोड है, यहाँ दिख जाएगा। उस साइड से आते हैं तो भी ये बगल में आर्यन ऑटो सेल्स इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, दिख जाएगा। इसके अलावा सामने हमने डिस्प्ले कर दिया है एड्रेस, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अंदर डिस्क्रिप्शन में भी आपको एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। कॉल टाइमिंग भैया 10 से 7 है अपनी, हाँ 10 से 8, 10 से 8, हाँ। तो सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। बाकी बढ़िया 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 कलेक्शन ऐसे ही दिखाते रहेंगे, धन्यवाद तब तक के लिए। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए कोरोना से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।